बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली जैकलिन फर्नांडिस ने इंस्टाग्राम पर 55 मिलियन फॉलोअर्स का माइलस्टोन पार कर लिया है। इस साल अप्रैल में 50 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस ने केवल 5 महीनों में 55 मिलियन का आंकड़ा छू लिया है। जैकलिन हाल ही में सैफ अली खान, यामिनी गौतम और अर्जुन कपूर के साथ हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस में नजर आई थी। टीवी वर्ल्ड के चॉकलेटी हीरो जय भानुशाली अपने करियर की नई पारी खेलने जा रहे हैं। वे सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल रियलिटी शो बिग बॉस 15 में कंटेस्टेंट बनकर आने वाले हैं कि जय का नाम शो के लिए आखिरी मिनटों में फाइनल हुआ है। ये भी कहा जा सकता है कि जय की एंट्री को मेकर सीक्रेट रखने में कामयाब रहे। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस मौनी राय जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। अपने हुस्न से लोगों को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस जल्द ही अपने फैंस का दिल तोड़ते हुए एक बिजनेसमैन के साथ साथ फेरे लेने वाली हैं। इस बात का खुलासा खुद उनके भाई विद्युत ने किया है। लगातार 2 ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल जीतने वाली पीवी सिद्धू पर अब बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। पीवी सिद्धू पर बन रही इस फिल्म में दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएगी। अब पीवी सिद्धू ने हालिया इंटरव्यू में बता दिया है कि दीपिका पादुकोण कैसी बैडमिंटन खेलती हैं। पीवी के मुताबिक दीपिका काफी बढ़िया बैडमिंटन खेल लेती हैं।